आमिर खान की आने वाली फिल्मों की बात करें तो आप सबके लिए एक नया सरप्राइज है। आमिर खान अपनी अगली फिल्म के साथ लोकेश कनगराज के LCU सिनेमैटिक यूनिवर्स में शामिल होने वाले हैं। रजनीकांत की आने वाली फिल्म कूली में भी आमिर खान नजर आएंगे। इसके अलावा आमिर खान की 10 फिल्में और भी आने वाली हैं, जिनके बारे में चलिए फटाफट बात कर लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई नई और अच्छी अच्छी अपडेट्स आपको समय टू समय मिलते रहें। नंबर 10 पर है हैप्पी पटेल। आमिर खान प्रोडक्शन तले बन रही इस फिल्म से इमरान खान फिर से बड़ी वापसी कर रहे हैं। आमिर खान इस फिल्म में डॉन का रोल निभाएंगे। वीर दास फिल्म के डायरेक्टर हैं। अप्रैल 2025 में ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। अरे दिल दे के दर्द दे मोहब्बत किया है, सोच समझ के ये सौदा किया है, वो मैंने प्यार किया है, प्यार किया है, प्यार किया है। ओ सलमान खान, क्या हुआ, आओ ना। नंबर 9 पर है महाभारत। SS राजामौली की फिल्म महाभारत भी अब जल्द ही आने वाली है, जिसमें आमिर खान भगवान कृष्ण की भूमिका निभाने वाले हैं। इस महाकाव्य के टोटल 10 पार्ट बनकर तैयार होने वाले हैं। नंबर 8 पर है टाइम मशीन। आमिर खान ने 2025 से लेकर 2026 तक के लिए खुद को पूरी तरह से बिजी कर लिया है। आमिर खान का इसमें भी दमदार रोल रहेगा। इस फिल्म में आमिर खान अपने माता पिता की खोज के लिए अतीत में जाएंगे। नंबर 7 पर है सरफरोश 2। हाल ही में इस फिल्म के 25 साल पूरे हुए हैं। आमिर खान इस फिल्म पर भी जल्द ही काम शुरू करने वाले हैं, हालांकि इसमें स्टार कास्ट में बदलाव देखने को मिल सकता है। नंबर 6 पर है गजनी 2। साउथ डायरेक्टर मुर्गदास की इस फिल्म में इस बार आमिर खान के साथ साउथ एक्टर सूर्या भी नजर आएंगे। इस बार फिल्म को बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है, जिसे 2025 के लास्ट तक रिलीज किया जाएगा। नंबर 5 पर है PK2। आमिर खान की इस फिल्म में इस बार रणबीर कपूर भी अहम रोल में होंगे। बाकी स्टार कास्ट भी जल्द ही अनाउंस की जाने वाली है। मेरा दोस्त, एक बूंद तक नहीं पी थी उसने, पर नाम था PK। नंबर 4 पर है लाहौर 1947। सनी देओल और आमिर खान इस फिल्म में नजर आएंगे। आमिर खान का फिल्म में कैमियो रहेगा, वहीं प्रीति जिंटा भी लीड रोल में होंगी। राजकुमार संतोषी इसके डायरेक्टर हैं। इस फिल्म को अब जून 2025 में रिलीज किया जाएगा। पंजाब में चारों तरफ कत्लेआम हो रहा है, सीमा पर हिंदू और मुसलमान मुजाहिरों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। नंबर 3 पर है सितारे जमीन पर। आमिर खान की ये फिल्म इसी साल दिसंबर में रिलीज के लिए तैयार है, जिसमें बच्चों की कहानी देखने को मिलेगी, लेकिन जरा फनी अंदाज में। ये फिल्म काफ़ी मोटिवेशनल टाइप की रहने वाली है। नंबर 2 पर है मोगुल। आमिर खान अब गुलशन कुमार की बायोपिक करने जा रहे हैं, जिसे सुभाष कपूर डायरेक्ट कर रहे हैं। जल्द ही फिल्म पर अपडेट दी जाएगी। नंबर 1 पर है NTR 31। आमिर खान अब जूनियर NTR की इस फिल्म में विलन का रोल निभाने जा रहे हैं। इस फिल्म का स्थायी नाम ड्रैगन रख दिया गया है। प्रशांत नील की ये फिल्म 9 जनवरी 2026 को रिलीज होगी। आमिर खान की ये 10 फिल्में हैं। इसके अलावा भी आमिर खान की साउथ वाली फिल्में अनाउंस होना बाकी है, जिन पर समय पर आपको अपडेट दे दिया जाएगा। नई फिल्में तुरंत देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम पर आ सकते हैं, जहां से मूवी सिर्फ आपको डाउनलोड करनी होगी, जो डायरेक्ट आपकी गैलरी में ओपन होगी, वो भी फुल HD में। आमिर खान को गुलशन कुमार जी की बायोपिक करनी चाहिए या नहीं, अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।